नमस्ते स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस की इस के डेली डोज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है प्रेजेंटली हम पाइथन प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पाइथन मॉड्यूल्स को पाइथन मॉड्यूल्स के टॉप क्वालिटिटी टेन क्वेश्चन जो कि अमूमन जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम हैं चाहे वो स्कूल लेवल पे हो चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो चाहे वो एंट्रेंस लेवल पे हो या रिक्रूटमेंट लेवल की आप बात करें सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सो so, ये एक मिक्स बैग है जिसमें आपको डेफिनेटली अगर आप पाइथन के प्रोग्रामिंग को सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है और ये सेट नंबर सेवन है सेशन स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाकी जितने भी सेशन हैं इसके प्रीवियस से आने वाले उन सभी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पाइथन मॉड्यूल आर रिटर्न इन जो आप पाइथन मॉड्यूल यूज करते हैं पाइथन में जैसे मैथ मॉड्यूल हुआ स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हुआ इस तरह के तमाम जितने भी मॉड्यूल्स हैं तो बेसिकली वो किस लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं तो क्या वो पाइथन में ही बनाए गए हैं जावा में बनाए गए हैं सी प्लस प्लस में डिजाइन किए गए हैं या सी लैंग्वेज में सो so इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी जितने भी पाइथन मॉड्यूल्स हैं दे आर एक्चुअली रिटन इन बॉट योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई मूप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पार्ट ऑफ पाइथन मॉड्यूल आपका जो पाइथन मॉड्यूल है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं क्या ये कॉन्टेंट करता है क्लास क्या ये कॉन्टेंट करता है फंक्शन प्रोग्राम्स या ये सभी को ये कॉन्टेंट करता है या सिर्फ ए बी सी में से दो फंक्शंस को ज्यादा जिसका मतलब है मोर देन वन ऑफ द ए बी सी अर्थात ये जो तीन ऑप्शन हैं इनमें से कोई दो तो देखिए जब आप पाइथन मॉड्यूल की बात करते हैं पाइथन मॉड्यूल क्या है देखिये जब आप पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं सो so, कोई भी एक प्रोग्राम रेडी करते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉट मॉड्यूल क्योंकि उसका एक्सटेंशन क्या है पाइथन .py, मॉड्यूल का एक्सटेंशन होता है तो अगर आपने मॉड्यूल बनाया है मॉड्यूल का पर्पस क्या है रीयूजिलिटी तो सबसे पहली बात तो आती है कि रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि उसमें क्लासेस भी हो सकती है बिकॉज पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो क्लास जो है वो मॉड्यूल का पार्ट हो सकता है फंक्शन इट सेल्फ यू नो द पार्ट कैन बी द पार्ट ऑफ पाइथन मॉड्यूल एज वेल एज जो रनेबल कोड होते हैं जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, वो भी आपके मॉड्यूल का पार्ट हो सकते हैं बेस्ड ऑन दिस वी कैन से कि जो पाइथन मॉड्यूल है उसमें ये ऑल ऑफ दी सारे हो सकते हैं राइट right? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आई मूव टू द द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज दैट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ पाइथन मॉड्यूल इन रिगार्ड ऑफ पाइथन मॉड्यूल पहला बोलता है कि इम्पोर्ट मॉड्यूल यहां पे आप इंपोर्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं इस पहले ऑप्शन में इस i को आप स्मॉल i कंसीडर करिएगा तो पहला इंपोर्ट मॉड्यूल जो कि बिल्कुल सही है जैसे मान लीजिए आपको पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है यू कैन सिंपली राइट वॉट इज पैंडली फाइन सेकंड इज थिंग इम्पोर्ट मॉड्यूल एज एलिया नेम मतलब जब आप कोई क्लास को मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो आप उसका एक रेफरेंस नेम या ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं तो इम्पोर्ट पैंडास पी डी लिखते हैं वो भी बिल्कुल सही है थर्ड इज थिंग फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार तो ये जो स्टेटमेंट है कि आपने मॉड्यूल से सारे ही इन द सेंस जैसे मैथ मॉड्यूल से उसके सारे ही फंक्शंस को आपने क्या कर लिया इंपोर्ट कर लिया सो दिस इज आल्सो करेक्ट इसमें कहीं पे कोई हर्जा नहीं है द नेक्स्ट इज सेइंग इंपोर्ट फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल सो दिस इज द स्टेटमेंट जहां पर आपका गलती हो सकती है बिकॉज अगर आपने एक पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो हम क्या लिखते हैं फ्रॉम लेते हैं मॉड्यूल लेते हैं मॉड्यूल लेने के बाद आप इंपोर्ट करते हैं एंड इसके बाद में हम क्या करते हैं फंक्शन का नाम लिखते हैं सो ऑप्शन डी जो है वो यहां पर इनकरेक्ट है द नेक्स्ट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन इनमें कौन सा बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग में तो देखिए रैंडम मैथ्स स्टैटिस्टिक्स एंड पैंडास पैंड है स्टैटिस्टिक्स भी है मैथ्स की अगर बात करूं तो डाउटफुल है रैंडम भी होता है मैथ इसलिए डाउटफुल है क्योंकि जो मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है पाइथन में दैट इज बेसिकली योर मैथ सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर आई मूव टू द नेक्स्ट इट इज दैट टू इंस्टॉल एनी मॉड्यूल विच ऑफ कमांड इज यूज इन अगर आप मॉड्यूल कोई भी इनमें से इंस्टॉल करना चाहते हैं कोई भी मॉड्यूल पाइथन का तो आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं इज इट इंस्टॉल इज इट पिप लोड या इनपोर्ट तो आपने देखा होगा जब आप पाइथन में कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो वी ऑलवेज राइट पिप इंस्टॉल देन उसके बाद जो भी मॉड्यूल है जैसे कि पेंडास या ओ एस तो इसका मतलब यहां पर आप पिप मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आई मूव टू द नेक्स्ट यहां पे बोलता है कि टू नो द करेंट मॉड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज करेंट मॉड्यूल का मतलब ये है आप पाइथन का कोई प्रोग्राम रेडी कर रहे हैं और आपने उसमें मॉड्यूल्स यूज किए तो करंट मॉड्यूल कौन सा है जिसको जिसकी आपकी जानकारी चाहिए इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल करेंगे you see here, ये जितने भी अंडर स्कोर स्कोर है एक्चुअली you know, right? के के नाम से जाने जाते हैं तो क्या वो फाइल एट्रीब्यूट है क्या वो मॉड्यूल एट्रीब्यूट है क्या नेम एट्रीब्यूट है पैकेज है या डॉक है तो देखिए जब आपको करंट मॉड्यूल के बारे में जानकारी चाहिए तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अंडर स्कोर अंडर स्कोर नेम अंडर स्कोर अंडर स्कोर दिस इज द नेक्स्ट पे बोलता है पाइथन पाइथन मॉड्यूल्स आर स्टोर्ड का जो मॉड्यूल होता है वो कैसे स्टोर किए जाते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया इट्स क्वाइट इजी ना ही डॉट सी है ना अलग से कोई मॉड्यूल के एक्सटेंशन के लिए डॉट पी आई एम भी नहीं होता है टैक्स भी नहीं होता ऑप्शन बी इज करेक्ट आई मूव टू द नेक्स्ट टू इट रैंडम

एक सिंगल इंपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए एक से ज्यादा मॉड्यूल को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते एक एक करके अलग अलग आपको मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आपको चाहे दो मॉड्यूल इंपोर्ट करने तीन मॉड्यूल करने आप कॉमा से उनको सेपरेट करते चले जाइए और आप सभी को क्या कर सकते हैं एक ही बार में इंपोर्ट कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया द नेक्स्ट इज संग यू हैव क्रिएटेड अ फंक्शन

तो आइडियली इसका जो आंसर होगा दैट इज पाइथन मॉड्यूल आप पाइथन के मॉड्यूल्स ही क्रिएट करते हैं जिनको आप बार बार क्या कर सकते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम में और वहां से इसका प्रयोग कर सकते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये बोलता है कि टू स्पेसिफिकली इंक्लूड रैंडेट अब आपका रैंडम मॉड्यूल है उस रैंडम मॉड्यूल से रैंडेंट मेथड को आपको पर्टिकुलर रैंड को ही आपको क्या करना है इंपोर्ट करना है तो उसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा सो so यहां पे लिखा है फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडेट जो कि सही लग रहा है इम्पोर्ट रैडेम नहीं होता है इंपोर्ट रैंडमेंट भी नहीं होगा इंपोर्ट रैंडम इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ए यहां पर करेक्ट है तो ये थे कुछ पाइथन मॉड्यूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उम्मीद करता हूं ये डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपकी यू नो फर्दर प्रिपरेशन के लिए जानकारी के लिए एक चीज और मैं बता दूं कि बिल्ट इन फंक्शंस का भी अलग से एक सेशन है बिल्ट इन फंक्शन अगेन कई दफ़ा वो मॉड्यूल्स के नाम से ही जाना जाता है बट वहां पर डिफरेंट मॉड्यूल्स के डिफरेंट फंक्शन जो कॉमनली यूज फंक्शन है उनको लेके भी यू नो एम का एक सीरीज अवेलेबल है आई मीन वीडियो अवेलेबल है आप उसे भी देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे लिंक डिस्प्ले हो रहा है अगर नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेक कर लीजिएगा दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो चलिए फिर नए सेशन में नए चैप्टर नए सॉल्यूशन नए कॉन्सेप्ट नए एमसीक्यू के साथ जल्दी मिलते हैं टिल दैन कीप प्रैक्टिसिंग इंग कीप लर्निंग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा बाय बाय एंड टेक केयर